तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है 14 जनवरी, तो आज है मकर संक्रांत। तो आज हम लोग गाइस रकसगंडा जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। तो अभी हम लोग अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी पे आ चुके हैं। तो अभी हम लोग श्री राम वन गमन मार्ग के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर लक्ष्मण वन पाँव है जो आपको ब्लॉग में दिखा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर राम और लक्ष्मण जो थे वो मतलब, तो गाइस अभी हम लोग लक्ष्मण पाँव पर्यटन केंद्र के पास पहुंच चुके हैं जो बिहारपुर रोड में पड़ता है। तो गाइस इधर देख सकते हैं लक्ष्मण पंजा, तो पास से आपको दिखा रहा हूँ लक्ष्मण पंजा। तो गाइस देख सकते हैं राम लक्ष्मण जो यात्रा के दौरान उनका पाँव यहाँ पे, तो काफ़ी पर्यटन स्थल बन चुका है। इससे 3 किलोमीटर दूरी पर सीता लेखनी है, तो वहाँ का भी आप, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सीता लेखनी, वहाँ का व्यू आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं लक्ष्मण पाँव। अभी हम लोग जा रहे हैं रकसगंडा, तो सोचे यहाँ का भी ब्लॉग बना लेता हूँ। तो मिलते हैं सीताले। तो गाइस अभी हम लोग सीता लेखनी पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं इधर बोर्ड लगा हुआ है सीता लेखनी का। तो अभी सीता माँ पहले का यहाँ पे लिखा हुआ है वो सबको आपको दिखाऊंगा ब्लॉग पे, जो अपने पहले जमाना में यहाँ पे कुछ कुछ लिखी हुई है। तो गाइस यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, और ऊपर में देख सकते हैं, तो ऊपर में सीता मैया कुछ कुछ लिखे हुए हैं जो आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको। तो अभी मैं जूता पहना तो ऊपर नहीं जा रहा हूँ, तो यहीं से आपको दिखा दे रहा हूँ।